अस्सलाम वालेकुम, इजी कुकिंग शो के साथ हाजिर हैं। आज हम चिकन का भुना हुआ सालन बना रहे हैं। चिकन का भुना हुआ सालन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। आधा किलो चिकन लिए जिसे हमने धो लिया है अच्छे तरीके से। दो अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं जिसे हमने रफली काट लिया है। तीन अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, इसे भी हमने रफली काट लिया है। क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल लिया है। मसालों में हमने नमक लिया है आधा खाने का चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च ली है आधा खाने का चम्मच। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। हल्दी ली है आधा खाने का चम्मच। पिसा हुआ धनिया लिया है आधा खाने का चम्मच। गरम मसाला लिया है एक चाय का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है एक खाने का चम्मच। कसूरी मेथी ली है एक खाने का चम्मच। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डेगची में क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल में अब हम प्याज शामिल करेंगे स्लाइस में कटे हुए। प्याजों को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज का गोल्डन फ्राई कलर आ गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने एक मिनट के लिए फ्राई कर लिया था प्याज के साथ। अब इसमें हम कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के साथ ही अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हमने नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया है। मसालों के साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब हम टमाटर और मसालों को 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लेंगे ताकि मसाला बन जाए। प्याज, टमाटर और ड्राई मसालों को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। मसाला बन चुका है। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन को अब हम 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे फ्राई कर लेंगे। मुर्गी को मसाले के साथ भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे। क्वार्टर कप पानी का शामिल करेंगे। मुर्गी के सालन को ढक के दरमियानी आंच पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन का सालन बनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं। चिकन गल चुका है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकालते हैं। चिकन का भुना हुआ सालन बनके तैयार है। आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चपाती के साथ भी। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।